नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जून, दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया ये आरोप। सुशील मोदी ने 1200 रेल हादसे पर चल रहे विपक्षी दल के घमासान को बताया राजनीति। मांझी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान आया सामने। अशोक चौधरी ने 2024 के चुनाव को लेकर कही ये बात। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के स्वजा से बोलती हुई बंद। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाए ये आरोप। पटना के बापू सभागार में अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा बीते ही दिनों महासम्मेलन मनाया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वह लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग देश बेच रहे हैं और दो लोग खरीद रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश में आज गरीबों की चर्चा नहीं होती, मोमिनों को जमीन देने की चर्चा नहीं होती है। बीजेपी गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम लोगों के हाथ में कलम देना चाहते हैं और भाजपाई लोग तलवार देना चाहते हैं। कर्नाटक चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हनुमान जी के नाम पर वोट मांगा, लेकिन मेरी माँ छठ करती है, हम लोग दीपावली मनाते हैं। लालू यादव की होली पूरा देश जानता है। वही जब हम रमजान से इफ्तार करते हैं तो वे कहते हैं कि हम टोपी पहनते हैं। आज उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां बीजेपी हार जाती है वहां विधायकों को खरीदने के लिए ईडी और सीबीआई भेज देती है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। विजय सिन्हा ने इस वजह से सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग। बीते ही दिनों भागलपुर में पुल टूटने की घटना सामने आई है। इसे लेकर बिहार के महागठबंधन की सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा इस्तीफे से मांग की है। उन्होंने कहा कि ये पुल नहीं, बिहार की जनता का विश्वास गिर गया है। दो दो बार निर्माणाधीन पुल का भड़बड़ा कर गिर जाना प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि जब नीयत में खोट है तो नीति कैसे सफल हो सकती है। बिहार में कमीशन मांगने की परंपरा है और पुल गिरना इसका नतीजा है। उन्होंने पुल गिरने के हादसे की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। पुल गिरने वाले हादसे को लेकर नीतीश तेजस्वी से इस्तीफे की मांग पर तेजस्वी ने दी सफाई। भागलपुर में पुल गिरने वाले मामले को लेकर बीजेपी महागठबंधन के सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत कई बीजेपी नेता द्वारा नीतीश और तेजस्वी से इस्तीफे की मांग की गई है। बीजेपी नेता के इस मांग के बाद तेजस्वी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग का काम संभालने के बाद हमने इस पुल की जाँच IIT रुड़की से कराई, जिसके आधार पर पुल के स्ट्रक्चरल डिजाइन में फॉल्ट पाया गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़कर फिर से उसे बनाने का काम शुरू किया गया। अब इस पुल के पिलर नंबर 5 को लेकर IIT बॉम्बे की रिपोर्ट आनी है। हमने पहले ही इस पुल को लेकर आशंका जताई थी। सुशील मोदी ने 1200 रेल हादसे पर चल रहे विपक्षी दल के घमासान को बताया राजनीति। ओडिशा में अभी हाल में ही जो बड़ा रेल हादसा सामने आया था, उसे लेकर देश में बड़ी सियासी होती नजर आ रही है। दरअसल विपक्षी दल रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने लालू यादव के समय के रेल दुर्घटना को याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त 973 लोगों की मौत हुई। गैसल रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 2 माह होने वाले चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आगे उन्होंने कहा कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह तत्कालीन रेल मंत्री के इस्तीफे को त्याग की कथा बनाकर 1200 रेल हादसे पर राजनीति कर रहे हैं। रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने और चुनाव बीतने के बाद नीतीश कुमार अटल जी की सरकार में फिर मंत्री बन गए। बाद में रेल मंत्रालय का पदभार भी संभाल लिया। कांग्रेस के इस रणनीति से राजद का बढ़ा टेंशन। भाजपा प्रवक्ता ने भी कही ये बात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार की है, इससे लालू यादव के MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण में परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि लालू यादव की पार्टी मात्र इन दो समुदाय के लोगों का वोट पाकर लगभग 1 करोड़ से भी अधिक वोट हासिल करने में सफलता पा लेती है, जो राजद के लिए काफी मायने रखता है। लेकिन कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में राजद के इस वोट समीकरण पर सेंध मारने की तैयारी में लग चुकी है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से डॉक्टर शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाकर और अग्रणी जाति से अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने खोए जनाधार को मजबूती देने के पहले पायदान पर चढ़ चुकी है। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। अल्पसंख्यक वोट बैंक के जरिए राजद को चुनौती देने की कोशिश में है। महागठबंधन में वोट बैंक को लेकर घमासान मचा हुआ है।
मांझी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान आया सामने। बिहार के राजनीतिक गलियारे काफी उलटफेर का माहौल देखने को मिल रहा। जहां 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक टल गई, वहीं इस विपक्षी एकता की मुहिम के जवाब में बीजेपी 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम आयोजित कर रही, जहां पीएम मोदी भी रैली निकालने बिहार आ रहे। इसी बीच जीतनराम मांझी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की मांग को लेकर महागठबंधन और नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया। मांझी की इस मांग को लेकर अब सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जीतनराम मांझी बड़े नेता हैं, इनकी बातों का गंभीर मतलब होता है। वहीं जब मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा बनने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि समय सब कुछ बता देगा। आगे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी को नीतीश के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्हें मांझी से कोई परहेज नहीं है। वहीं महागठबंधन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कुछ है ही नहीं, बड़े नेताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। बिहार के राजनीति में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे प्रशांत किशोर बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते नजर आते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2 दशकों पहले असम में हुए रेल हादसे पर तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 291 लोगों की मौत के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, जबकि उन्हें इस्तीफा देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मना किया था। लेकिन ये वही नीतीश कुमार है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में चुनाव हार गए। 242 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में जदयू के सिर्फ 40 से 42 विधायक ही जीते, लेकिन फिर भी कोई न कोई जुगाड़ लगाकर कभी बीजेपी का पैर पकड़कर तो कभी लालटेन पर लटककर नीतीश कुमार किसी न किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू राजद गठबंधन को लेकर किया यह दावा। रविवार शाम भागलपुर में पुल के गिरने की घटना सामने आई, तभी से बिहार की राजनीति गरमाई नजर आ रही है। लगातार विरोधी दल पुल गिरने के बाद उसके निर्माण के क्वालिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसी बीच आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 23 फरवरी 2014 को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से शिलान्यास किया गया 1710 करोड़ रुपए की योजना वाले इस निर्माणाधीन पुल का दूसरी बार धराम से गिरना और घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार की बागी एवं जदयू आरजेडी गठबंधन का परिणाम है। 2024-25 में बिहार से इनका सफाया भी ठीक वैसे धराम से होना निश्चित है। आखिर बिहार के लोग कब तक इनको झेलते रहेंगे। आनंद मोहन ने बीजेपी पर लगाया आरोप। राजनीति में सक्रिय हुए आनंद मोहन बीते ही दिनों गया के कोसडीहरा पहुंचे। यहां आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी की ओर संकेत देते हुए कहा कि हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, ईडी आयकर सीबीआई है और बीच में गोदी मीडिया है, देश का मीडिया स्तर गिरा है, डिबेट के नाम पर गाली गलौज होती है। आगे उन्होंने कहा कि माननीय का कला चिट्ठा मेरे पास है, अगर खोलना चाहोगे तो इज्जत नहीं बचेगी, जरूरत पड़ेगी तो अब नंगा करेंगे। मीडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारे मीडिया को खरीद लिया है। देश की तरक्की किसानों की सब्सिडी के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है। नोटबंदी के दौरान एक पार्टी का बिल्डिंग और ऑफिस बन रहा था। कहते हैं चौकीदार सजग है, तो राहुल गांधी ने ठीक कहा, चौकीदार ही चोर है। अशोक चौधरी ने 2024 के चुनाव को लेकर कही ये बात। बीते ही दिनों बागे जमशेद हॉल में जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जहां बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो भी मौजूद दिखे। मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी एकता नहीं बनी तो 2024 का चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में संगठन को धारदार बनाना है और नए लोगों को जोड़ना है। पुराने कार्यकर्ता जो अलग थलग हो गए हैं उन्हें भी पार्टी में सक्रिय करना है। इसके लिए जिलों से लेकर प्रखंडों तक का दौरा हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि संवाद स्थापित कर मंतव्य लिया जा रहा ताकि आगे मेहनत कर पार्टी को झारखंड में खड़ा किया जाए। भागलपुर में गंगा नदी पर बने पुल के ढहने को लेकर राजद प्रवक्ता ने किया दावा। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने पुल के ढहने की खबर सामने आते ही महागठबंधन की सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी लगातार नीतीश और तेजस्वी से इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं अब इसे लेकर राजद द्वारा कहा जा रहा है कि यह पुल बीजेपी के शासनकाल में बननी शुरू हुई थी, पहले जब गिरा था उस समय बीजेपी भी सरकार में थी। आज बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है, जब जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। बता दें कि राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी द्वारा कहा गया कि आप समझ लीजिए जो जांच की बात हो रही है वो हमारी सरकार कराएगी, लेकिन इतना तो मान लीजिए कि अगर जांच होगी तो बीजेपी के लोग ही एक्सपोज होंगे। इस पुल के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कौन लोग थे वो सामने आ जाएगा। विपक्षी एकता की बैठक को लगा बड़ा झटका। देश भर में विपक्षी एकता की चल रही मुहिम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिस विपक्षी एकता को लेकर पटना में 12 जून को बैठक होने वाली थी वह अभी के लिए टल चुकी है। नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकता को लेकर होने वाली यह बैठक अब किस तारीख को होगी इसकी तारीख की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न ही बैठक को लेकर कोई अपडेट सामने आए हैं। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यह बैठक 23 जून को हो सकती है। बता दें कि इस बैठक को फिलहाल क्यों टाला गया है इसे लेकर भी किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के बीच इस बैठक को टालने
जाने की बड़ी वजह कांग्रेस बताई जा रही है। दरअसल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर है और 12 जून तक उनके भारत वापस लौटने का कार्यक्रम नहीं है। हालांकि यह खबर भी सामने आई थी कि बैठक की तारीख कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की सहमति से ही हुई थी। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। इन दिनों राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर है। यहां अपने भाषण के दौरान वे लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। दरअसल भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने न्यूयॉर्क में संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लड़ाई विचारधारा की है। जहां एक तरफा महात्मा गांधी की विचारधारा है तो वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। आगे उन्होंने कहा कि घर भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा जिसका भाजपा और आरएसएस प्रतिनिधित्व करते हैं। आसान शब्दों में शब्द को समझाया जाए तो एक तरफ हमारी विचारधारा महात्मा गांधी है और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की है। पंजाब में विपक्षी दलों की एकजुटता पर सीएम भगवंत मान ने कही ये बात। पंजाब में वरिष्ठ पत्रकार बरजिंदर सिंह हमदर्द के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए जालंधर में विपक्षी दलों के इकट्ठा होने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी इन राजनीतिक दलों के इतिहास के बारे में जानता है उनको अच्छी तरह से पता है कि उनको हाथ पंजाब और पंजाबियों के खून से रंगे हुए हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का पंजाब विरोधी रिकॉर्ड रहा है और उनके पंजाब विरोधी रुख के कारण राज्य की प्रगति और समृद्धि में बाधा आई है, जिससे पंजाब को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की इस वजह से बोलती हुई बंद। बीते ही दिनों वैशाली जिले के महनार रेलवे स्टेशन पर पाटलिपुत्र जंक्शन से सहरसा के बीच चलने वाली जनहित एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हुआ। ट्रेन के ठहराव को लेकर रेलवे की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी पहुंचे। उन्होंने जनहित एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वे मंच से भाषण दे ही रहे थे कि उसी वक्त एक बुजुर्ग ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, लेकिन जब काम के लिए जनता आपके पास पहुंचती है तो आप मालिक बन जाते हैं, जनता से मिलते तक नहीं। बुजुर्ग इतना कहते हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को अपना बचाव करना पड़ा। उन्होंने बुजुर्ग को रोकते हुए कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों का जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है पी कुमार कृष्णा, दया शंकर, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भागलपुर में गंगा नदी पर बने पुल के ढहने को लेकर हो रहे राजनीतिक बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।